और ये लीकेज कर रहा है, ये देखो ये रबर है ना पूरा घिस गया है और हार्ड भी हो रहा है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज हमारे पास अल्टो है, तो उसमें जो ब्रेक बूस्टर है उसका प्रॉब्लम है। ब्रेक बूस्टर है वो पूरा ऑयल लीक कर रहा है, ठीक है, और ब्रेक का पेडल है पूरा नीचे जा रहा है, ऑयल की लेवल ब्रेक ऑयल की लेवल कम हो रही है। ये देखो नीचे आप देखोगे ना मैट पे, ये देखो ऑयल लीकेज कर रहा है पेडल के, यहाँ गिर रहा है। तो इसमें हमारा ब्रेक बूस्टर और उसका जो मास्टर सिलेंडर है उसका प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखो पूरा अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसका बूस्टर हम खोलने वाले हैं और कैसे रिपेयर करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ब्रेक बूस्टर खोलने से पहले सबसे पहले हमें ये जो मास्टर सिलेंडर है ये निकालना है। ये देखो ये पाइप जितने भी ये निकालेंगे, और इधर देखो ये तो नट है ये निकाल देंगे, तो टैंक के साथ हमारा जो पहले ब्रेक सिलेंडर है वो बाहर आ जाएगा। ब्रेक सिलेंडर हम चेक करेंगे उसमें दिक्कत है क्या, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा ब्रेक बूस्टर हम खोलेंगे। अभी देखो हमने ब्रेक सिलेंडर इसका मास्टर सिलेंडर वो भी खोल दिया, और ये देखो ये मास्टर सिलेंडर है वही लीक है। वो लीक होने के कारण जो ऑयल लीक हो रहा है वो हमारा ब्रेक बूस्टर में पड़ रहा है। ये देखो गिर रहा है और पूरा ये चेंबर भर रहा है ब्रेक बूस्टर का, और ये जो ऑयल है ये वैक्यूम के साथ इंजन खींच रहा है और इंजन में जल रहा है, मतलब आधा जल रहा है आधा स्मोक बन रहा है उसका। तो ये दिक्कत थी इसमें, ये तो प्रॉब्लम तो पता चल गया हमें कि हमारा जो मास्टर सिलेंडर है वही लीकेज कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको खोलना है और इसको अभी रिपेयर करेंगे हम, नया डालने की कुछ ज़रूरत नहीं। नया जो आता है वो बूस्टर के साथ आएगा, तो काफ़ी महंगा होता है वो, ये रिपेयर हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो इधर एक स्क्रू है इसका, ये देखो जैसे स्क्रू निकाल देते हैं ना हम, तो अंदर का किट है वो बाहर आ जाता है। ये देखो ये पूरा इसमें किट है और ये लीकेज कर रहा है। ये देखो ये रबर है ना पूरा घिस गया है और हार्ड भी हो रहा है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अंदर से बॉडी देखोगे तो बॉडी एकदम प्रॉपर है, अगर बॉडी इधर कुछ मतलब गड्ढा वगैरह बन गया ना तो आपको पूरा बदलना पड़ता है, लेकिन बॉडी एकदम अच्छी है। और एक किट है ये देखो अंदर, ये देखो बॉडी देख रहा हूँ मैं एकदम प्रॉपर है। अभी ये पानी मार के वगैरह एकदम प्रॉपरली साफ़ कर लेंगे हम। अभी देखो पानी मार के एकदम प्रॉपरली सिलेंडर और टैंक दोनों चीज़ें साफ़ करके ले लिए, एकदम प्रॉपर हो गई, ठीक है। और इसमें ऐसे उंगली वगैरह डाल के देखना है, ये जो बॉडी है ना अंदर से एकदम स्मूथ होनी चाहिए। बॉडी पे वो अगर एक गड्ढा बन गया है, अगर डीप स्क्रैच है तो रिपेयर करके भी सक्सेस नहीं होगा, तो नया ही डालना पड़ेगा आपको, ये चेक करना है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये जो बॉडी है ये डैमेज नहीं होती, डैमेज सिर्फ यही चीज़ें होती है जो रबर के पार्ट वगैरह है ना वो हार्ड हो जाते हैं। ये देखो जैसे इसके हुए, ये देखो ये निकाला भी है मैंने, ये देखो ये पूरा घिस घिस के और पूरा हार्ड हो गया है, तो यही दिक्कत होती है। तो सिर्फ किट चेंज करते हैं तो काम आपका बन जाता है। अभी इसमें रिपेयर के लिए जो किट लगता है वो किट हमने मंगाया बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो, और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पर ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको जेन्युइन चाहिए, जैसे मैंने ये कंपनी का मारुति सुजुकी का मंगाया, ऐसे हर एक कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। आपको जेन्युइन नहीं चाहिए, आफ्टर मार्केट चाहिए, वही स्पेयर पार्ट चाहिए, तो वो पार्ट भी बुडमो पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो ये किट देखो 725 रुपीज़ का है सिर्फ, तो इसमें हमारा प्रॉपरली ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है सब रिपेयर हो जाएगा। नहीं तो क्या बूस्टर के साथ आप लेते हो तो लगभग 4,500-5,000 रुपये का है। तो अभी इसकी फिटिंग दिखाता हूँ कैसे करने। थोड़ा सा ये जो देखो ये हाई टेम्परेचर ग्रीस रहता है जो ब्रेक कैलिपर के पिन में वगैरह हम यूज़ करते हैं, एकदम थोड़ा सा लगाना है बॉडी को। और सबसे पहले देखो ये जो हमारा पिस्टन है ना ये जाएगा, ये देखो ये हाइट में थोड़ा छोटा होता है, ये सबसे पहले लगाना है इस तरीके से। ये देखो ये लग गया, उसके बाद थोड़ा सा ग्रीस एकदम थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ग्रीस लगा के ऊपर से ये पिस्टन लग जाएगा, ठीक है। दोनों पिस्टन लग जा गए, उसके बाद ये दबा के रखना है। और ये देखो ये इधर एक स्क्रू है लॉक करने के लिए, ये लॉकिंग का स्क्रू लगा देना है। ये स्क्रू जैसे लगा देते हो आप तो लॉक हो जाता है। अभी देखो ऑपरेट भी एकदम प्रॉपर हो रहा है, देखो एकदम प्रॉपर ऑपरेट हो रहा है। और इधर से
हवा आती हुई आपको दिखाई देती है। देखो एकदम प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखो ये एक ओरिंग है, इसके साथ न्यू आती है किट के साथ, ये लगा देनी है इधर। और ये देखो ये ऊपर की कैप है, इसे प्रेस करनी है। ये देखो ये हमारा सिलेंडर बन गया, अभी इसको फिटिंग कर देते हैं। तो अभी इसको फिटिंग करना है, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ इसको इधर लगा देना है। ठीक है, दोनों बोल्ट टाइट करने हैं। लगाने से पहले ये जो मैंने ओरिंग लगाई ना, नए किट के साथ आती है, वो ओरिंग लगाना भूलना नहीं है। ओरिंग अगर भूल जाते हो तो बूस्टर आपका काम नहीं करेगा, वैक्यूम लीक करेगा उधर से। और जो भी ये पाइप है देखो, ये पाइप लगा के पूरे टाइट कर देने हैं। ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद इसका ब्रेक ऑयल का ब्लीडिंग करना पड़ेगा। ब्रेक ऑयल डाल के जो निपल्स होते हैं हमारे चारों व्हील्स में, वो लूज़ करके रखने थोड़ा देर। तो ब्रेक ब्लीडिंग का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो अभी ये सारा फिटिंग कर देता हूँ, और ब्रेक वगैरह प्रॉपर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो सारी फिटिंग हो गई एकदम प्रॉपरली। ब्रेक ऑयल का जो ब्लीडिंग का प्रोसेस था, एयर निकालने का प्रोसेस था, वो एकदम प्रॉपर हो गया। गाड़ी ट्रायल भी लेके आया मैं, एकदम प्रॉपर हो गया ब्रेक। ये देखो, और पहले से लीकेज था, और पहले कैसा, ये जो रेजिस्टेंस है इधर, ब्रेक ख़त्म हो गया, इसके आगे दब नहीं पाएगा। तो पहले क्या दबाते थे ना, पूरा धीरे 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 एंड तक जाता था, मतलब वो और लीकेज कर रहा था ऑयल। तो अभी एकदम प्रॉपर हो गया, अभी ऑयल भी लीकेज नहीं, कुछ नहीं, सब एकदम प्रॉपर हो गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।